नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बागवान साथियों, आज हम आपको प्रेम चौहान जी की एक दूसरी वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि बड़े ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में किस तरह से जो है समर प्रूनिंग होती है। तो आज की वीडियो जो है उसके ऊपर होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही में प्रेम चौहान जी की प्रैक्टिसेस को भी ज़रूर आप अपनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसकी प्रोनिंग और आप को अब बताएंगे जो आपके पास लगा हुआ ऑर्चर्ड है, जो पुराने ट्रेडिशनल फार्मर, जो रॉयल डिलीशियस या जिस तरह की भी आपकी फार्मिंग है उस पे आप काम कर रहे हैं, उसकी प्रोनिंग में, समर प्रोनिंग में क्या रोल है, समर प्रोनिंग कितनी होगी। अभी आपने उसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी की समर प्रोनिंग देखी और वो आपको दिखाई, परंतु उस तरह का मॉडल या उस तरह के प्लांट अगर किसी फार्मर्स के पास है तो उस पे वो उस तरह इस तरह की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से जो है हमें अपने फ्रूट क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इस तरह से जो है हमें हमारी जो सनलाइट जो है अंदर तक पहुंचेगी, क्वालिटी अच्छी बनेगी। सिस्टम है जो ब्रांच पीछे से जुड़ करके आती है आगे को पेड़ में, उसको ही आप वो एक उस तरह का पौधा माने। उस ब्रांच पे जो भी है आपको एक ब्रांच के ऊपर कंट्रोल करके ले जाना है, ताकि फ्रूट जो है आपका एक ब्रांच के ऊपर लगे। एक ही ब्रांच को आपको कंट्रोल करके उसके ऊपर जो है समर प्रूनिंग, जो अगर उसमें वेजिटेटेड ग्रोथ आती है तो उसको आप टिप कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हम काट रहे हैं, जैसे वेजिटेटेड ग्रोथ है, जैसे आपको ये लगता नाइस है प्रैक्टिस, क्योंकि ओवर में जा रहा है, वेरी गुड। ये लचकेगा, नीचे को झुकेगा, तो आप ये काट सकते हैं उसी तरह से जैसे हमने उस पे आपको कटिंग बताई है। तो पुराने पे भी आप जो है इस तरह की कटिंग कर सकते हैं, जो वेजिटेटेड ग्रोथ आपकी आ रही है, वेजिटेटेड ग्रोथ जहाँ को भी जा रही है तो उसको आप निकाल सकते हैं। एक तो उससे आपकी शेड खत्म हो जाएगी, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी फ्रूट है, के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा दूसरी अच्छी जो जानकारी है। वेजिटेटेड जो वो आपकी फीड खाए ले जाएगी प्रेम तो चौहान वो जी हम आपकी युवा बागवानों के लिए वेस्ट एक नहीं जाएगी आदर्श हैं। और सारा जो है रिवर्स फ्रूट की तरफ ही हो जाएगा, जो भी सिडलिंग वो की जो है नीचे से अनियंत्रित न्यूट्रिशन ले रहा है ग्रोथ को वो उन्होंने जो रिवर्स है फ्रूट की तरफ हो ये जाएगा। रूप दिया परंतु है। ये बड़ा हार्ड वर्क एप्स है, वैरायटी के जनक बहुत भी हैं आप। ही मुश्किल काम है बड़े प्लांट में ये लेबर, इसके लिए आपको मैनेज करनी पड़ेगी लेबर ही, तभी आप इसमें ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी वेजिटेटेड ग्रोथ को जो है आप टिप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया, इससे आपका आगे सर्दी का प्रोनिंग का भी काम हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक ध्यान फिर से रखें, जो जितनी भी ये पत्तियां जो नीचे अभी आप कटी हुई गिर रही है, इसको भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा एक जगह में, किसी भी गड्ढे में डाल करके इसकी वर्मी कंपोस्ट आप बना सकते हैं। इसको जो है बगीचे में ही फैला हुआ रहने ना दे, क्योंकि आजकल बरसात में जब ये सड़ेंगी इसमें फंगल तैयार हो जाएगी और वो जो है आपके प्लांट को, फ्रूट को खराब कर देगी, और इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तो ये है बड़े प्लांट के ऊपर समर प्रोनिंग अगर आप करना चाहते हैं। तो अभी आपको हमने प्रैक्टिकली समर प्रोनिंग करके भी दिखाई, सिंगल स्टेम पे कैसे कंट्रोल करना है, सीडलिंग को कैसे रोका जाता है समर प्रोनिंग से के द्वारा, और कैसे उसको जो है फ्रूटिंग के लिए तैयार किया जाता है, ये आपको मैंने प्रैक्टिकल दिखाया और किस तरह से वो होना चाहिए। और इस अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग में ये इसका बहुत बड़ा रोल है, तो अगर आप इस तरह की फार्मिंग में जा रहे हैं। तो बागवान साथियों, अभी आपने जो वीडियो देखी है बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इस प्रैक्टिस को जो आपने पहले देखी, जो उन्होंने छोटे प्लांट्स जो तैयार किए हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन, बहुत ही एक जो कि सीडलिंग के पौधे को उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया और उस पर जो है इस तरह का क्वालिटी फ्रूट जो है वो तैयार कर रहे हैं, और बड़े पौधों में भी जो है उनकी जो प्रैक्टिस है काफ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है।
और ये प्रैक्टिस जो है सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।